थी, थी ना हम मिलजुल बैंक बैलेंस बड़ा होता गया जन जो थी वो छोटी से छोटी ही होती गई के, के तरह तरह के खाने बनाने और दा हासिल करने हर दात घट ही मिली ससुराल जी बड़ी कोशिश की कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात थोड़ी सी जगह बन जाए मगर नहीं वो सब अपने मतलब की ही चीजें थी क्योंकि जहां कमाई वाला बेटा कम आमदनी वाला बेटा ना तो उसको जल्दी जल्दी माए आजकल की जो दौर की माए है ना वो साइड पे कर हमारा दौर दुबई से जो मेरी चीजें आई है उसमें ये है वेजलिंग जो मैं यूज करती हूँ ये इतना बड़ा जार होता है इसके साथ एक बेबी जार भी है जो मैंने निकाल के रखती है जिसको मैं यूज करूंगी और देखे मैं लिबर्टी सारा घूम बैठी पूरा लाहौर घूम बैठी मुझे जूता नहीं नजर आया इस तरह का ना सड़कों पे हम पलवशा की तरह कभी भी नहीं निकले और ना अल्लाह तला ऐसी नौबत लाए असलाइकम वेलकम टू तो माई चिड़िया कुकिंग चैनल एन बिलो जी भी बस कैसे हैं उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे खुशबाश होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और खैरियत से अपने घर में आ गई हूँ क्योंकि मैं दो दिन पहले इस्लामाबाद गई थी एक तो ये था कि बहनोई बीमार थे यानी उनका ना ऑपरेशन हुआ था पिते का तो काफी इन्फेक्शन वगैरह हो गया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी तो अल्हमद शुक्र है कि खैर अफियत से उनका ऑपरेशन हो गया कामयाब हो गया है और जब मैं गई थी तो तब उनको पांच दिन हो गए थे ऑपरेशन को गुजरे हुए ना तो मेरे होते हुए उनकी पट्टी वगैरह उतर गई थी स्टिच अभी बाकी है तो वो इनशाला आठ से दस दिन में वो स्टिच वगैरह खोलेंगे मगर उनको इन्फेक्शन बहुत शदीद हो गया था जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी तो इसलिए अचानक ही मुझे के जल्दी जल्दी में जाना पड़ा क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी वैसे तो अब्टाबाद वापसी पे मैंने आना था मगर बच्चों की कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह के मामले थे तो इसलिए मुझे फिर सीधा लाहौर में आ गई थी ना तो फिर अब तकरीबन मैं जुमे वाले दिन गई थी इधर से लाहौर से बाई ट्रेन गई थी क्योंकि ट्रेन का सफ़र जरा कम्फर्टेबल भी होता है ना तो मैं और मेरा छोटा बेटा हम गए थे मैंने कहा बहनोई की तबीयत भी पूछा है और फिर हमारे घर एक काका भी आया हुआ है यानी बहनोई का पोता आ, मेरे भांजे का बेटा माशाला पहले बेटी थी उसकी पांच साल की फातमा जी और अब माशाला अल्लाह तला ने बेटा दिया है तो उसकी भी खुशी थी उसकी भी मुबारक देने के लिए मैंने जाना था सिस्टर के पास तो इसी बहाने से भांजू से भी मुलाकात हो जाती है माशाल्लाह दो मेरिड हैं और एक अन मैरिड है बहू है तो दो दिन जरा मेरे भी अच्छे गुजर गए गपशप में फिर उनकी फैमिली वगैरह भी आई यानी लॉज वगैरह मेरी भांजियों के लॉज वगैरह भी आए उनसे भी माशा मुलाकात हुई सब भी बड़े अच्छे प्यार करने वाले मोहब्बत करने वाले थे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खरीत से वापस आ गई हूँ और मेरा भांजा होता है जी दुबई में माशाल्लाह होता है हामिद शाह और जब भी वो आता है छे साल में एक दफा आए या दो दफा आए मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर लेके आता है वो कहते हैं ना कि शक्कर खोरे को अल्लाह तला शक्कर ही देता है तो मेरी शुरू से ही आदत थी कि जितने भी ये क्रीम शैम्पू साबुन जितना भी होता था तो शादी से पहले ही मेरा साल का को कोटा दुबई से ही आया करता था, था। तो कुछ ऐसा होता था, था कोई भी होती थी वो भी आती, आती जाती रहती थी, कुछ रिश्तेदार भी थे वो भी आते जाते रहते थे तो हम साल साल का कोठा में कोटा में और मेरी कजन वगैरह जो होती थी ना हम मिलजुल के हम साल का कोटा मंगवा लेते उसमें निविया क्रीम होती थी उसमें लोशन होता था उसमें डव सोप होता था यानी ए टू जितने भी लड़कियों की इस्तेमाल की चीज होती है ना तो हम दुबई से मंगवाया करते थे। फिर जी करना ऐसा हुआ कि मेरी शादी शादी की होई ते ते सास ते पे ते ऐसा ऐसे नखरे कडे कर कर यकीन करो फिर मेनू ना साबन तो पे पेड़ मेनू आदत पै गई आज दिन तक साबन आर धोनी तो रही है मेनू क्योंकि आदत ऐसी शैम्पू ना लगे मैं सिर वॉश करा ना ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਪੀਸ ਕਲਿੰਕ ਕਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ وجہ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਾਫੀ ਫਿਜ਼ੀ ਫਿਜ਼ੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਆਦਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੈਂਪੂ ਬਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੈਰ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁਪ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁਪ ਯਾਨੀ ਆਦਤ ਹੀ ਮੈਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੇ साबुन से ही सर वॉश करती थी मगर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे एक भांजा है उधर दुबई में और चार मेरे भतीजे हैं माशाल्लाह दुबई में और एक मेरा भतीजा है सऊदी अरब में भाई मेरे यूरोप में होते हैं यानी हॉलैंड में होते हैं तो ये सारी चीजें मुझे एज अ गिफ्ट मिलती रहती हैं तो जिसका मैं बस आप समझ ले के मैं शुक्र अदा करती हूँ मगर अब कहते हैं ना कि जिंदगी के साथ ना वो शौक रहते हैं ना वो आते रहती हैं कुछ ससुराल ने आते बदल दी पता नहीं खराब डाली या सही डाली या, आप लोग बताएंगे कि ये आते सही थी मेरी या खराब थी कि साल साल का कोटा हम दुबई से मंगवा लिया करते थे जिसमें करीमें भी होती थी साबुन भी होते थे शैम्पू भी होते थे लोशन भी होते थे तो मगर अलहमद कि जब से मैं अलहदा हुई तो फिर मेरे भांजे भतीजे माशाल्लाह वो जब भी आते हैं तो मेरे लिए ढेरों ढेरों ऐसी चीजें लेके आते हैं जिनकी अब समझा देखा जाए तो मुझे कुछ ऐसी खास जरूरत नहीं है मगर उनको पता है खाला हो गई प्फो हो गई मैं खाला भी हूँ उनकी मैं पुफो भी हूँ तो वो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेके आते हैं जो मेरे लिए मशाला साल हर साल के लिए काफी होते हैं तो मेरा कहने का मकसद ये था कि देखिए जब आप किसी की बेटी लेके आते हैं या तो ऐसे घर से बेटी लेके आए जो आपके मेार के मुताबिक उतरे जिसको आप अपनी मर्जी की आदतें डाल सके वो तो अल्लाह का करना ऐसा था कि मेरे माँ बाप नहीं थे भाई तीनों यूरोप में थे और भतीजे बत, भांजे वगैरह ये भी मिस के जैसे कि मैंने बताया सऊदिया में और यूके में होते हैं तो इसलिए मुझे इन चीजों की कभी कमी नहीं हुई तो मगर देखो कि देखिए आप अगर किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो इनशाला की जार भी आपके साथ बेहतर करती है वो कहते हैं ना ये दुनिया मका फातः अमल है अगर आप किसी ने मेरे साथ किया तो शायद उनकी बेटी के साथ इससे भी काफी बढ़ के हुआ अगर मुझ मुझे इन चीज़ों से तरसाया गया जो जरूरत होती है ना कि ये फैशन नहीं था क्योंकि हमारा लाइफ कुछ ऐसा था कि ये चीजें हमारे शुरू से ही यूज में थी तो ये नहीं था कि हमने आगे शादी के बाद जाके ये चीजें देखी या पिछली उम्र में जाके हमने चीजें देखी हमने संभाला तो यही चीजें यूज की एवन के इंडिया से अल्ला अब्बा जी बहुत सारी चीजें ऐसी चॉकलेट वगैरह हमारे इंडिया से आती थी हमारे काजू इंडिया से आते थे मूंगफली पेनेट जिसको कहते हैं या जिसको आप कह लें चलोगा वगैरह होता है जितने भी मेवजात थे ना तो अब्बा जी अल्लाह बख्शे पाकिस्तान अम्बेसी में थे तो जिसकी वजह से ये चीजें ढेरों ढेर के हिसाब से होती थी ये चीजें हमारे लिए उस दौर में भी आप चालीस साल पीछे भी चले जाए तो नायाब नहीं थी ये आम सी चीजें थी जो कि शादी के बाद मेरे जैसी गली बड़ी नायाब बना दी मेरे ससुराल वालों ने मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि मेरे ससुराल वाले हयात हैं जिंदा हैं और मेरी इस तक फूफो के बेटे हैं वो ठीक है वक्त और हालात सदा एक जैसे नहीं किसी के भी रहते एक टाइम आया कि वो बहुत फाइनेंशली तौर पे बहुत अप हो गए कुछ सुसर की अपनी मिस की जॉब थी कुछ बेटे मिस अच्छी पोस्टों पे चले गए तो उसकी वजह से काफी अप हो गए मगर उनका जहनियत देखा जाए ना तो डे डे वो छोटी होती है पॉकेट बड़ा होता गया बैंक बैलेंस बड़ा होता गया जहनियत जो थी वो छोटी से छोटी ही होती गई यकीन लेकिन जब मेरी शादी हुई ना तो जब मुझे सास पकाने के लिए कहती थी ना तो हमारा घर था मशाला के बड़ा था उसमें ज्यादा चीज पकती थी मटन अगर कम अज कम भी निकाले ना तो एक टाइम में दो किलो तो बनता ही था चाहे उसमें सब्जी भी डलनी है नीट बनना है ना तो अल्लाह बख्शी में जो मेरे जो हस्बैंड थे ना तभी तो वो जब हमारे घर आया करते क्योंकि गजन थे क्योंकि कजन थे कजन के बेटे थे आना जाना था था इतना फासला नहीं था तो वो एक टाइम में हमारा कुकिंग देख के ना तो हैरान होते कहते थे पंजाबी बोलते थे मेरे से तो कहते थे एक ताम, एक ताम ही खा लोोगे तो मैं हंस के कहती थी नहीं रात में फिर दाल चावल ने दिने दिन ही खत्म हो जाना है ना तो वो कहते नहीं साडे कार होवे ते ते मटन ते दो किलो सडब महीने दा लगदा तो मैं हस दिया कहती थी मैंने कहा तन्वीर की आदत है तन्वीर वैसे बिना हंसी मजाक वगैरह बहुत करते थे ना तो मगर जब वो कहते ना यारा पे जाने या वा पे जाने जब मेरा वास्ता पड़ा ना तो मैं वाकई ही हैरान रह गई यानी जितने फर्द होते थे ना उतनी बोटियां मेरी सास देती थी पकाने के लिए वो भी ना जब बाजार से गोश्त बन के आता था ना तो बोटी में से भी बोटी कर देना उसको ना यानी दो बोटियां बना देना उस हिसाब से वो बोटी बनाती थी उसी हिसाब से उन्होंने छोटा सा मुझे अदरक का टुकड़ा देना इतना सा लसन देना दो टमाटरियाँ देनी इतनी इतनी सी ना मैं बड़ी परेशान होती थी शुरू शुरू में ना कि मैं इसमें क्या इसमें शोभा बनेगा इसमें मसाला बनेगा तो क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं कैसे पकाऊं बड़ा जी फिर आदत पड़ गई वही शोरबे वाली चीज खाने की और इसी तरह का पकाने का आखिर मैं अकेले और सात आठ बंदे वो तो जाहिर है वो उन्हीं का भार भारी होना था ये लाइफस्टाइल उनका ऐसा ही था तो इस तरह ये कहते हैं ना कि इंसान जब तक किसी के रिश्ते में कन्वर्ट हो के उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड करता तब तक आप किसी को जज नहीं कर पाते चाहे आपका दिन रात का आना जाना हो चाहे रोज का आना जाना हो यानी एज ए रिश्तेदार वो मेरे लिए कैसे हैं या एक रिश्ते में कन्वर्ट कन्वर्ट होके जैसे कि सास सा रिश्ता होता है बहू सास का रिश्ता होता है तो उसमें कोई लोग कैसे होते हैं तो ये जनाब ये सारी बातें ना तब भी पता चलती है जब रिश्ते में कन्वर्ट होके आप किसी के साथ चंद माह चंद दिन या चंद साल गुजारते हैं तो मुकम्मल एक शख्सियत खुल के सामने आती है जो मेरे लिए इंतहाई भयानक किस्म की थी ना क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत हटके था और ससुराल वालों का जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही हटके था जिससे मैं जिसको में इसके तौर पे कबूल करना ना एक नामुमकिन सा ही लगता था मगर वक्त के साथ साथ आदत इसलिए पड़ी जाती भी तो कहाँ जाती माँ बाप तो थे ही नहीं वो तो पहले ही अल्लाह अक्षे फौत हो गए थे मेरी शादी से बहुत पहले ना और जो भाई थे वो हॉलैंड में होते थे दो भाई हॉलैंड में होते थे एक यूनान में होते थे मैरिड थी वो इस्लामाबाद में होती थी तो कहा जाती क्या करती जैसे तैसे भी रहना पड़ा पड़ा वैसे ही पकाना पड़ा। मेरा शॉर्टकट ये है कि जब मेरी दूसरी देवरानिया जिठानिया आई ना तो फिर मेरे के काफी फाइनेंशियल तौर तो पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गई मेरी इन की फैमिली तो मगर परमिशन उनको खाने पकाने का स्टाइल जो था ना वो वही था उतनी ही मिकदार में डालनी है अदरक लहसन वगैरह जितना भी में इसके में मेरी सास ने आके है तो मेरी जेठानी होती थी बेचारी अल्लाह तला खुश रखे उसको आबाद रखे बेचारी वो भी बेवा हो गई है अब तो उसकी दूसरी जगह पे शादी भी हो गई है जैसे कि मैंने बताया था कि एक देवक था मेरा एचपीएल का डीजीएम ना तो तो उसको इस जाने की कैंसर हुआ था जिसकी वजह से 2017 में उसकी डेथ हो गई थी तो मगर जाते जाते भी वो एक शादी और कर गया था ना तो पहले वाली जो बीवी थी वो तो अंडरस्टैंडिंग थी हमारी आना जाना था तो वो बेचारी ना कभी कभी मेरे पास आके कहती थी किचन में भाभी आप ये कैसे बना लेती है ना सारी चीजें तो मगर ये होता था कि जब किसी ग्रैंड डिनर वगैरह होता था तो सारा मैं ही मैनेज करती थी कुकिंग मैं ही करती थी क्योंकि पकाने में आपको पता ही है कि कुछ मेरा शौक था इस तरह के, के तरह तरह के खाने बनाने और दाल हासिल करने पे कटी मिली ससुराल चौक तो फिर ये होता था वो कहती थी हायरुबिनम भाभी आप कैसे ये कर लेती है ना हमें तो इतना सा अदरक देती है इतना सा लहसुन छोटे छोटे दो प्याज दे देती है या वो टमाटर देती तो उसमें क्या शोर बाब वो भी अच्छे घर से थी बहुत अच्छे घर से थी उनके बा, उनके वाले जो थे वो थे मेरा हमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे ना तो वो इस तरह की बातें मेरे साथ आके गया करती थी किचन में जब उसको मौका मिलना ना करनी कहती थी रुबीना भाभी आपके खाने बहुत अच्छे होते हैं मगर आप मसाले भी तो ठीक डालती है ना तो जाहिर सारा चीज जो होती है वो मसालों पे होती है ना कि जितना गोश हो आप डालती तो तो बेटी, बेटी, बेटी तब तो मेरे लिए गाड़ी भी आती थी मुझे गाड़ी लेने के लिए आती थी गाड़ी छोड़ने के लिए आती थी जी डिनर रहते बंदोकार लंच है तो ये बनाना है रुबीना बेटी बनाएगी रुबीना बेटी बनाएगी फिलहाल जी बड़ी कोशिश की शायद के रे दिल में उतर जाए मेरी बात थोड़ी सी जगह बन जाए मगर नहीं वो सब अपने मतलब की ही चीजें थी जी अल्लाह तला हदायत दे इसी दुनिया में आगे चल के तो जो इसके होने है हमारे साथ जिस जिस ने जिस जिसके साथ जाति की है इसके हिसाब किताब कैसे होने ये तो अल्लाह जानेगा या बाद में जब हम पे ये वक्त आएगा तब जानेंगे मगर ये दुनिया मकफात अमल है सेम 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 जैसे उन्होंने मेरे साथ किया सेम उनकी एक ही बेटी थी यानी मेरी नान जो है एक ही है ना तो उसके साथ भी सेम हुआ यानी उसके भी काफी रिच फैमिली थी और ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग थे अगर इनका उस वक्त कनाल का घर था मेरे ससुराल का तो उनका दो कनाल का घर था मगर आदात उनकी देखा जाए तो बस हंड्रेड हंड्रेड परसेंट एक जैसी थी मेरी सास की और उसकी सास की ना तो वो कहते हैं ना इस साथ दे उस साथ ले तो वो फिर जब बातें बताती थी ना मेरे साथ ये हुआ ये हुआ जो मेरे साथ हो चुका था ऑलरेडी कर चुके थे उसमें करते -करते तो क्योंकि जहां कमाई वाला बेटा कम आमदनी वाला बेटा ना तो उसको जल्दी जल्दी माए आजकल की जो दौर की माए ना वो साइड पे कर हमारा दौर होता था हमारी माए ना उन बच्चों पे ज्यादा उसके बेटों पे इसके दिल जलाती थी जो थोड़ा तो दौड़ तो में पीछे रह जाता था बेटा ना तो हमारी माए तो ऐसी थी अल्लाह बख्शिश करे और वो जहान अच्छा करे मगर मौजूदा जो माए हैं वो तकरीबन अब मैंने काफी मेजोरिटी इस तरह की देखी है कि माए उसी बेटे की होती है जिसके पास फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रांग हो अच्छी सीट हो अच्छी जॉब हो अच्छा नाम पहचान हो जान हो तो वो बेटे बेटे होते हैं फाइनेंशियली तौर पे जो पीछे रह जाते हैं वो बेटे तकरीबन बस नाम के ही रह जाते हैं वैसे बेटे नहीं होते तो ये मुख्तसर बातें मैं इसलिए शेयर कर रही मैं काफी अच्छे से सोच रही थी कि मैं बातें ये किससे शेयर करूँ ना क्योंकि कर्ज वगैरह सब अपने अपने घरों में चली गई खैर वो तो मेरे हालात से और इन सारे किस्सों से वाकिफ है क्योंकि एक खानदान तो एक ही है ना तो इसलिए मेरे जो थे वो भी इसके ख़ानदान ही के थे आउट फैमिली नहीं थे तो बस जी मेरे मेरी किस्मत में ये था मेरे मुझे इन आजमाइशों से भी गुजरना पड़ा और वक़्त एक जैसा नहीं रहता अल्लाह का शुक्र बच्चे माशा बड़े हो गए अपनी वैसे भी जब सेपरेट हो गई तो उसके बाद आपको जैसे मैंने बताया मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया यानी खावन की जिंदगी में ही मैंने शुरू कर दिया था मैं मोहताज नहीं रही थी क्योंकि उनकी सैलरी इतनी नहीं थी कि जिसके जिस पे मैं बच्चे अपनी मर्जी से पढ़ा सकती जिन स्कूलों में मैं पढ़ाना चाहती थी जो लाइफस्टाइल मैं बच्चों को देना चाहती थी तो पॉसिबल नहीं था कि उनकी आमदनी में इतना हो सके क्योंकि गवर्नमेंट जॉब और छोटा मोटा स्केल जो हो ना तो उसमें जॉब आपको पता ही है सैलरी पैकेज क्या होता है ना तो मैंने फिर जिंदगी अपने हिसाब से जो गुजारी थी वो कहते हैं ना आते जो पढ़ी हो तो फिर बस मुश्किल ही हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं था कि नैरो माइंड नहीं थे हमारी फैमिली में कोई भी तो ब्रॉड ब्रॉड माइंडेड ही थे तो इसलिए मुझे कोई इत, किसी ने इतना से रोक टोक नहीं किया काम करने से ना तो स्टेप बाई स्टेप आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे पास जो हुनर था जो स्किल्स थी उसको काम में लाते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अच्छी अच्छे स्कूलों में तालीम दिलाई अच्छे कॉलेज खैर पंजाब कॉलेज को अब अच्छा कहते हुए डर भी लगता है <laughs> क्योंकि बच्चे ना मेरे पंजाब कॉलेज से ही पढ़े थे ना तो बाकी अच्छी यूनिवर्सिटीज अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र इस वजह से हुआ था कि ये सब कुछ मेरे हाथ में था और मेरी अपनी जो आमदनी होती थी जो मेरी अर्निंग होती थी उससे मैं अपने बच्चों की जो इसके मेन जरूरत होती थी मैं उसको पूरा करती थी और अलमदुल्ला अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया जिस जैसे लाइफस्टाइल मैं देना चाहती थी अल्लाह ताला ने मेरी मदद की और मैंने वैसा ही लाइफस्टाइल बच्चों को दिया वैसी ही आते डाली और हर माँ की ये ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा अच्छी जगह पे बैठे उठे अच्छी जगह पे पढ़े उसकी पर्सनल पर्सन अल्लाह ताला शक्ल सूरत तो अल्लाह ताला की देन होती है ना मगर पर्सनैलिटी को चार शान लगा देती है अच्छी तालीम और तरबियत तो जी मुझे आज इस्लामाबाद से आने पे मुझे मिला जी दुबई से जो मेरी चीजें आई हैं उसमें ये है जो मैं यूज करती हूँ ये इतना बड़ा जार होता है यदि खोटा खत्म नहीं होता तो दूसरा माशाला आ जाता है ये सब ये भी मुझे मेरे भांजे ने भेजा है अः पता नहीं क्या नाम लिखा हुआ इसपे ना क्योंकि मेरी दूर की है नौती है नजदीक की और होती है ना और ये क्रीम देखा जाए आ है। तो ये भी यूज करेंगे। हमारा माशाला साल का जो कोटा है ये परफ्यूम है लेडीज परफ्यूम है ये भी मेरे लिए है ना तो ये भी मेरा भांजा मेरे लिए लेके आया था कि खाला ये मैंने आपके लिए भेजा है ये मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता लिप बॉम है या कोई सर दर्द किया है ये मुझे पूछना पड़ेगा मैं फोन करके ना अपनी भांजी से या उसकी मिसिज से पूछूंगी हामिद की मिसिज से पूछूंगी कि, कि ये बॉम्ब किस के लिए है क्योंकि इसको अभी मैंने खोला भी नहीं है स्मेल भी नहीं किया कि ये किस पर्पर -पर के लिए होती है बाकी जी ये पर्स भी मुझे मेरी भांजी ने दिया था तकरीबन कुछ माह पहले ना इसके साथ मैंने बड़ा तलाश किया मुझे जूता क्योंकि मेरी आदत है जिस तरह का पर्स होना उसी कलर का जूता होना तो एक वो स्टाइल भी बन जाता है तो जिस सूट के साथ मर्जी पहन लो तो वो चल जाता है तो इस दफा मेरे लिए जूता भी आ गया सेम सेम कलर देखे मैं लिबर्टी सारा घूम बैठी पूरा लाहौर घूम बैठी मुझे जूता नहीं नजर आया इस तरह का ना तो मगर बिल्कुल साइज उसको पता है तो इसी कलर का हालांकि मैंने एक गैस ही दिया था कि रेड मैरोज सा जो कलर होता है ना तो हमें मेरे लिए इस दफा ये जूता भी लेके आना ये भी दुबई से ही आया है जबरदस्त किस्म का हो गया मेरी सर्दियों का जो है ना बंदोबस्त काफी हद तक करीमो श्रीमो का तो हो गया बाकी कपड़ा तो आपको पता है मेरी फील्ड है वो तो बनता रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह ताला ने जो भी दिया है बहुत सारा उससे अच्छा दिया है और अल्लाह ताला मजीद आगे भी बहुत बेहतर करेंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीजें ये नहीं है कि हमें जाके पिछली उम्र में मिली है या जिंदगी अप एंड डाउन जिंदगी में आते रहते हैं कभी बहुत अच्छा कभी नॉर्मल और कभी फिर से इंशाल्लाह अच्छा होगा तो मगर मैं उनको कहना चाहती हूँ जो मिस के अभी तक देखा जाए जो मैंने पहले वीडियो डाली थी जिसपे मैंने खुद से पेंट किया था उस सूट पे तो वो मैंने उस पर कमेंट्स अभी तक आती रहती है जहर वो पलवशा की है फोर्स है जो भी इस तरह के कमेंट्स करती है आप भी तो स्ट्रीट में वॉक कर रही होती है ना आप भी तो सड़कों पर फिरती है तो मुझे बताओ कि मैं कभी कहाँ सड़क पे मेरा या तो में होता है लोग हमेशा मैंने बनाए या मेरी छत पे होता है या मेरे घर में होता है सड़कों पे हम पलवशा की तरह कभी भी नहीं निकले और ना अल्लाह ताला ऐसी नौबत लाए क्योंकि मुझे पता है अल्लाह ना करे अगर मैं सड़क पे इस तरह निकलू ना तो कोई मुझे ओए भी करके चला जाऊ ना तो फिर मैं पीछे पीछे होंगी और वो आगे आगे होगा जब तक मैं हिसाब पूरा ना कर लू ना तो मैं जान नहीं छोड़ूंगी किसी की ना तो इसलिए अपने कमर सबके पास ही इस तरह के रखा करें अगर आपका नहीं दिल करता तो ना देखा करे हम किसी को कॉपी नहीं करते मैं सिर्फ मेरी जो पर्सनैलिटी है वो मेरी अपनी है शुरू से है और अल्लाह ताला मेरे लिए और मजीद बेहतर करेंगे और इनशाला दिसंबर में दुआ करें कि मैं एक बहुत बड़ी खबर और बहुत गुड न्यूज़ देना चाहूंगी अल्लाह तला ने साथ दिया और अल्लाह की जात को मंजूर हुआ तो इनशा अल्लाह आप दुआ में याद रखिएगा और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए ढेर सारी दुआ दुआ कीजिएगा कि जो मेरी चाहत है या जो मेरी अब अगला जो मेरा स्टेप है वो बेहतरी की तरफ हो कामयाबी की तरफ हो और अच्छे नसीबों की तरफ हो तो इन फिर अगले किसी व्लॉग में बात करते हैं तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा